मित्रों नमस्कार, मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आज दक्षिणेश्वर काली की यात्रा पर चल रहे हैं। आप सभी लोग हमारे साथ चलिए, हम सब मिलकर के दर्शन करेंगे। आप देख रहे हैं दक्षिणेश्वर काली रेलवे स्टेशन है, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर भगवती दक्षिणेश्वर काली का मंदिर स्थित है। देखिए हम इसके प्रांगण में आ चुके हैं, बहुत ही सुंदर वातावरण यहाँ का है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। आज हम यहाँ का दर्शन करेंगे, इसके इतिहास को समझेंगे। सबसे पहले हम गंगा जी का दर्शन करेंगे। ठीक मंदिर से सटकर ही हुगली नदी अर्थात भगवती गंगा बहती हैं। विवेकानंद सेतु भी यहीं पर स्थित है। अब हम गंगा जी की तरफ चलेंगे, पहले गंगा जी का दर्शन करके आएंगे। यहाँ पर वायु मार्ग, रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग से आया जा सकता है। दक्षिणेश्वर काली पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित सिद्धपीठ है। भगवती काली इस मंदिर में विराजमान हैं। उनका मुख दक्षिण दिशा में होने से इन्हें दक्षिणा काली कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये द्वादश ज्योतिर्लिंग के मंदिर हैं। 12 मंदिर इस तरह से बने हुए हैं। बगल में पार्क बना हुआ है, इस पार्क में बहुत से संतों महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य है यहाँ का। आप जब भी यहाँ आएँ तो यहाँ दर्शन अवश्य करें। आप देख रहे होंगे सभी संतों महंतों महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग के मंदिर हैं। एक एक मंदिर में एक एक ज्योतिर्लिंग है। 12 मंदिर यहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बनाए गए हैं। हम गंगा जी की तरफ अब बढ़ रहे हैं। इसे 1855 में रानी रासमणि ने बनवाया था। यह मंदिर श्री रामकृष्ण परमहंस की कर्मभूमि तपस्थली रहा है। देखिए हम गंगा जी के नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहां से गंगा जी का स्पर्श करेंगे। ठीक सामने आपको विवेकानंद सेतु दिख रहा होगा, भगवान सूर्य नारायण भी दिख रहे हैं। मंदिर के अंदर भगवती काली शिव जी के ऊपर खड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम लोग गंगा जी का दर्शन कर लें। ठीक सामने पतित पावनी माँ गंगा, आइए इनका स्पर्श करते हैं। जय हो माँ, जय भगवती गंगा। बहुत से लोग यहाँ पर अभी स्नान कर रहे हैं, हालांकि यह सायंकाल का समय है, लेकिन फिर भी लोग स्नान कर रहे हैं। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति न जाने स्नानजं फलम। भगवती गंगा का नाम ही काफी है। पतित पावनी जाह्नवी, जिसे यहाँ हुगली के नाम से जाना जाता है। अब हम मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक सामने आप देख सकते हैं यह घाट है। 6 गुंबद आपको इधर दिख रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान आकाश में विराजमान हैं। कल कल बहती हुई पवित्र गंगा आप देख रहे हैं। 6 गुंबद इधर दिख रहे हैं, 6 इधर हैं और 6 ठीक इसी के बगल हैं। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के मंदिर हैं। अब आप देख रहे हैं जो यह भवन बना है, इसमें श्री रामकृष्ण परमहंस जी की ये तपस्थली है। आप देख सकते हैं इसी में उन्होंने अपना समय बिताया था। उनकी यह कर्म भूमि रही है, तपस्थली रही है। इसमें उनके कुछ देखिए, अभी भी जो पलंग है वह विराजमान है। उनकी मूर्तियां रखी हुई हैं, प्रतिमाएं लगी हुई हैं। उनके समय का कुछ इसमें सामान भी स्थित है। वह यहाँ पर 1857 से 68 के बीच पुजारी थे, फिर उन्होंने इसे अपनी साधना स्थली बना लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे। आप लोगों को यह बता दूं कि मंदिर के अंदर कैमरे का प्रवेश वर्जित है, तो अंदर कैमरा नहीं जा सकेगा। भगवती का दर्शन आप लोग कर सकते हैं, उसके लिए आप फोटो देख सकते हैं। अब मंदिर देखिए कितनी भव्य स्थापत्य कला है इसका, देखते ही बनता है इस मंदिर को। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है।
इस मंदिर का आर्किटेक्चर बंगाल वास्तुकला पर आधारित है। नवशिखर शैली, 3 मंजिला, दक्षिणमुखी यह मंदिर है। यहाँ पर भगवती काली को भवतारिणी के नाम से जाना जाता है। मंदिर सुबह 5:30 बजे से 10:30 बजे तक तथा सायं 4:30 बजे से 7:30 बजे तक खुला रहता है। बहुत ही सुंदर और आकर्षक मंदिर है। इसको देख लेने से ही आंखें पवित्र हो जाती हैं। भव्य, अगर आप शाम को इसे देखें, रात्र में देखें, तो आपको कुछ नज़ारा इस तरह से दिखाई देगा। बहुत ही भव्य मंदिर दिखेगा। बेहतरीन कारीगरी का नमूना है यह मंदिर, देखते ही बनता है भव्य कला। अब देखिए, गंगा जी के किनारे से पवित्र सीढ़ियों के सहारे यदि आप चढ़ेंगे तो मंदिर आपको किस तरह से दिखाई देगा। ये अंदर की आप मूर्ति देखें, भगवती काली शिव के ऊपर खड़ी अवस्था में हैं, बिल्कुल खड़ी हुई हैं। नीचे भगवान शिव लेटे हुए हैं। सहस्त्र कमल भी बना हुआ है चांदी का। भगवती अपने हाथों में अपने जो भी अस्त्र शस्त्र है लेकर के खड़ी हुई हैं। नीचे भगवान शिव लेटे हुए हैं। ये प्रतीकात्मक आप देखिए फोटो, भगवान रामकृष्ण परमहंस जी, काली, भगवती शारदा जी सभी विराजमान हैं। अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ इसी तरह बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय विश्वनाथ।